नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सभी स्टूडेंट के लिए ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बीटेक के स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के अंदर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को सभी को देखना जरूरी है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझते हैं। तो आप सभी लोगों ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा होगा। जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है? जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसका जो इनवर्स ऑपरेशन होता है, मतलब व्युत्क्रम, उसका जो अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका उल्टा अगर हम कर दें तो वह क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। इसलिए हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स ऑपरेशन है वह इंटीग्रेशन कहलाता है। तो उसी के अगर फॉर्मूलों को उल्टा कर दें तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूले से मैं समझा रहा हूं, हमें सिंबल याद होगा कि जो इस तरह का सिंबल लगा होता है वह किसका होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इसका जो पहला फॉर्मूला बनता है x की पावर n, और यहां पर किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं? dx के। अब इसका जो इंटीग्रेशन हमें याद रखना, तो जो x दिया है वह जो x दिया है कुछ और दिया हुआ है, x की जगह हम x रख देंगे। इसकी पावर क्या दी है? n। तो जो पावर दी है उस पावर को रख देंगे और उसमें प्लस 1 कर देंगे। अब ऊपर जो भी बनता है उसको नीचे ही रख देंगे, सेम की सेम पावर 1। और प्लस में हम इसमें क्या करते हैं? एक कांस्टेंट सी के रूप में लगा देते हैं। सी लगाना भूल जाए तो उसको आप गलत ना समझें। इसको मैं समझा देता हूं। यदि आपको कभी एक्स की पावर 2 या कुछ भी मिलता है, हमें इसका इंटीग्रेशन ऐसा करने को मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे? एक्स की जो पावर है वह एक्स रख देंगे और जो पावर है उस जैसी की तैसी रख देंगे, प्लस उसमें क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। और जो यहां पर पावर बनती हुआ है उसको सेम का सेम नीचे कर देंगे। तो इस तरह अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 3/3। तो इस तरह हम इंटीग्रेशन करेंगे x की किस कोई पावर दी गई हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड फॉर्मूला जो बनता है, ऐसा इंटीग्रेशन अगर आपको मिल जाता है और उसके अंदर अगर ऐसा आपको मिल जाता है 1/x, और किसके विद रिस्पेक्ट? x dx। अब इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसको हमें याद ही रखना पड़ता, तो ये होता है log बेस में हम क्या लिखेंगे? e लिखेंगे, और यहां पर जो दिया है बटे में वह सेम की सेम वैल्यू लिख देंगे और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे। एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं, आप प्लस c लगाते चले। तो क्या 1/x दिया है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log बेस में e और x। सेकेंड फॉर्मूला भी आप समझ गए होंगे। थर्ड फॉर्मूला ये भी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऐसा लगा हो, और थर्ड फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, e की पावर x और dx लिखा हो। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर x का, वो e की पावर x ही रहता है, प्लस c कांस्टेंट लगा दें। तो याद रखें, जैसा मैंने इसका बताया, ये 1/x कहीं भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है, 1/x लिखा है और dx है, तो उसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे? log e x। x मतलब जो नीचे वैल्यू दी है। ऐसा ही e की पावर x दी है, dx लिखा हो, तो हम क्या करें? जो यहां पर e की पावर x दी है सेम की सेम e की पावर x लिख देंगे प्लस c। इस तरह फोर्थ फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूले सारे आपको याद रखना है। ऐसा इंटीग्रेशन दिया है, ए की पावर एक्स दिया है और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डीएक्स। अगर ऐसा दिया है तो याद रखें, जो यहां ए की पावर एक्स दिया उसको सबसे पहले ऊपर रख लें, ए की पावर एक्स जैसा दिया है वैसा रख लें। फिर बटे में क्या होता है इसका? लॉग बेस ए प्लस कॉन्स्टेंट। कैसा समझेंगे हम? ए की पावर एक्स दिया है तो हम जो ए की पावर एक्स दिया उसको सेम का सेम लिख देंगे, बटे में लॉग ई लगा के जो ए की ए दिया है यहां पर उस ए को लिख देंगे। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला, ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं कुछ। जैसे दिया है साइन एक्स, क्या दिया? साइन एक्स विद रिस्पेक्ट किसके? डी एक्स के रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा? सी। आपने जो मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा था उसमें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो यहां पर उल्टा हो गया, क्या हो गया? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स।
तो याद रखना साइन एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है क्या होता है माइनस कॉस एक्स। इस तरह सिक्स नंबर का देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं, क्या देखेंगे इंटीग्रेशन कॉस एक्स डीएक्स, इसका होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एक्स सीधा वाला। सिक्स के बाद हम सेवन नंबर का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या रखना जो साइन एक्स है इजकल टू माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स इजकल टू क्या साइन एक्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इन दोनों को आप याद रखते हैं। सेवन नंबर का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनता है टेन एक्स प्लस सी, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स है इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट है इसका कोई वैल्यू नहीं है कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेन एक्स याद रखना है। नेक्स्ट है एट नंबर का फॉर्मूला, एट नंबर में हम पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जैसे मैं बता चुका हूं प्लस सी कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे उसके लास्ट में हमें स्टार्टिंग में प्लस सी जोड़ते चलेंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन से कोई फॉर्मूले से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्लस करते हुए चलते हैं, बस हमें याद क्या रखना कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इजकल टू जो इसका इंटीग्रेशन होता हुआ होता है माइनस कॉट एक्स। इस तरह नाइन नंबर का भी फॉर्मूला याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ये होता सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स, इसका जो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है सेक क्या बनता है सेक एक्स, ये दोनों अगर इंटीग्रेशन में आपको मिलते हैं कहीं भी इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनता हुआ है सेक एक्स, मतलब इसकी जगह हम सेक एक्स लिख सकते हैं। इस तरह टेन नंबर का फॉर्मूला देखते हैं, टेन नंबर के फॉर्मूले में हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन अगर लगा मिलता है आपको और वहां पर लिखा है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या लिखा मिलता है कोसेक कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अगर आपको लिखा मिलता है और डीएक्स लगा हुआ है इसकी जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, याद रखें प्लस सी का कोई भी मायने नहीं, सब में सी प्लस सी लगाते चलते हैं, हमें अगर याद रखना तो सिर्फ क्या रखना माइनस कोसेक एक्स। इलेवन नंबर का फॉर्मूला देखते हैं, इलेवन नंबर में अगर आपको ऐसा मिलता है इंटीग्रेशन वन लिखा है और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है एक्स हो जाता है और प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देंगे, तो याद रखें जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वह वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है वन है या कुछ वन नहीं भी है तो भी हम वन मान के चलते हैं उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 12 नंबर का फॉर्मूला, इसमें अगर इंटीग्रेशन ऐसा लिखा हुआ है और जीरो अगर कहीं आपको जीरो मिल जाता तो इसका इंटीग्रेशन जीरो ही होता है, मतलब डायरेक्ट कॉन्स्टेंट सी लिख देंगे। अब 13 नंबर का अगर इंटीग्रेशन देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान से समझें, वन वाई अगर आपको ऐसा मिल जाता है रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा मिल जाता है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसा आपको लिखा मिल जाता है तो याद रखें इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसका जो डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी कॉन्स्टेंट लगा देते हैं, क्या इंटीग्रेशन वन वाई रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स ऐसा आपको मिल जाता है तो साइन इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है, इसको भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चलने लगे, ये आपको अच्छे से याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है ये यूज होने वाले हैं बार बार, जब भी मैं इसके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का जो फॉर्मूला बनता है वन वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है टेन इनवर्स एक्स, क्या बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, हमें याद क्या रखना है वन वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है डीएक्स के रिस्पेक्ट में टेन इनवर्स एक्स, इतना हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 15 नंबर का, तो 15 नंबर के फॉर्मूले में हमें याद रखना वन बटे एक्स और रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है, तो ये हम इसका जो फॉर्मूला बनता है वह बनता है sec इनवर्स x प्लस c। तो 15 नंबर का भी फॉर्मूला याद होगा, अगर इस तरह की आपको वैल्यू इंटीग्रेशन की मिलती है तो इसके बदले में डायरेक्ट हम sec इनवर्स 1 लिख सकते हैं x। और 16 नंबर का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है माइनस 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है वह बनता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या होगा माइनस 1, माइनस 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या बनता है कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह 17 नंबर का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये बन जाता है रूट के अंदर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह एक लास्ट फॉर्मूला है 18 नंबर का, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसके इसका अगर इस तरह की वैल्यू आती माइनस 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर ऐसा लिखा आता तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहां पर dx होगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर सॉरी cosec इनवर्स x प्लस c। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इनको आप हो सकता है रटना मुश्किल हो, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएंगे और याद भी हो जाएंगे जब ये बार बार रिपीट होंगे, और जो जो हमारे फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं बार बार वह आपको वैसे याद हो जाएंगे, वही आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं। तो हमें अच्छे से सारे फॉर्मूले एक बार इनको नोट करना है कॉपी पर अपने हाथ से जैसा मैं बोलता गया, और वीडियो को बार बार सुनकर बोल समझेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, अगर कहीं भी आपको लिखा दिखता है तो आप याद रखें एक्स की पावर एन लिखा नहीं दिखेगा, या एक्स की पावर होगी कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कुछ समझाया हुआ था आपको ये एग्जाम्पल देके समझाया था कि x की पावर मान लो 2 मिलती 3 मिलती 4 मिलती जो भी मिलती, जैसे मैंने मान लिया x की पावर 2 है तो 2 में प्लस का 1 कर देंगे जो पूरी पावर बनती है उसको नीचे लिख देंगे और फिर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा अगर कहीं आपको आता है तो हम इसको इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ऐसा आपको मिलता है इंटीग्रेशन 1 बाय x dx, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1 बाय x जो इंटीग्रेशन 1 बाय x dx के बदले डायरेक्ट सिर्फ इतना लिख देंगे log बेस द पावर e और x। इस तरह अगर इंटीग्रेशन e की पावर x dx डायरेक्ट लिखा मिलता है तो इसकी जगह पूरे टर्म की जगह सीधा e की पावर x लिख सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन e की पावर x dx मिलता है कहीं लिखा तो इसकी जगह सीधा हम क्या लिख देंगे e की पावर x, जो यहाँ जैसे लिखते हैं ऐसी वैल्यू दी है, और नीचे जो a दिया है यहाँ पर उसकी जगह log e और a लिख देंगे। इस तरह अगर इंटीग्रेशन sin x dx दिया है तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस cos x, अगर कहीं दिया इंटीग्रेशन cos x dx इस पूरे टर्म की जगह हम sin x लिख सकते हैं। इस तरह इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx दिया है तो इसकी जगह पूरी जगह हम tan x लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx दिया है तो इसकी जगह पूरी जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस cot x लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x अगर ये दोनों मिलते हैं एक साथ dx तो इसकी जगह पूरे टर्म की जगह हम sec x लिख सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx मिलता है तो इस पूरे टर्म की जगह माइनस cosec x लिख सकते हैं। कहीं भी हम इंटीग्रेशन dx ओनली लिखा है या फिर इंटीग्रेशन 1 इंटू dx लिखा है तो इंटीग्रेशन dx ओनली लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। dx के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा x आ जाएगा, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो y आ जाएगा, याद रखें। और जीरो का कोई मतलब नहीं सीखने का, जीरो मतलब जीरो होता है, सीधा कॉन्स्टेंट हम लिख सकते हैं। अब जी यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन 1 y रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। इस तरह इंटीग्रेशन 1 y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आपको लिखा दिखता है तो इस पूरे टर्म की जगह tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बटे x
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा दिखता है, तो इस पूरे टर्म की जगह सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इस तरह 16 नंबर में देखेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा दिखता है, तो इस पूरे टर्म की जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा दिखता है, तो इस पूरे टर्म की जगह कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन माइनस वन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा दिखता है, तो पूरे टर्म की जगह कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वीडियो को आप एक दो बार रिपीट करके देखेंगे तो याद हो जाएंगे। जो याद नहीं होते वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहां पर रिपीट होके याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।